ముచ్చింతల్లోని స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ వద్ద నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని మనం చూస్తున్నాము. ముచ్చింతల్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పర్యటన ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీని సందర్శించారు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన లేజర్ షోని ప్రస్తుతం ఆమె తిలకిస్తున్నారు. उच्च शिखर पर भारत है, समता की इस धरती पर आपका स्वागत है. स्वागत सुंदर माला ओम से श्रद्धा पूर्ण स्वीकार करें. समता मूर्ति स्फूर्ति केंद्र की ऊर्जा को अब जान ले. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वसुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे चोल वंश के राजाओं ने ऐसा कुछ कर दिखलाया. पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण धर्म पताका फहराया. दूर विदेशों के वासी भी वैदिक धर्म अपनाते थे. अपनी ही इच्छा से वे वैष्णव जन बन जाते थे. धर्म कला और संस्कृति की जीवित अभी कहानी है. सात समंदर पार अभी तक उनकी अमिट निशानी है. इसी युग में श्री रामानुज का श्री पेरुम्बदूर में जन्म हुआ. माँ कांतिमती और पिता केशव यज्वी के घर में गुरु तिरुमल नंबी ने पहली ही दृष्टि में उसे पहचान लिया. रामानुज को आदिशेष का रूप बताया.
बाल अवस्था में ही धारण वेदों का सब सार किया। श्री गुरु तिरुमल नंबी ने रामायण का ज्ञान दिया। श्री राम राम रामे दे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् सर्व ज्ञान संपूर्ण होने पर भी श्री रामानुज पांच गुरुओं के शिष्य बने। स्वामी गोष्ठीपूर्ण उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। उनको भगवद्गीता के चरम श्लोक और अष्टाक्षरी महामंत्र के रहस्यों का ज्ञान था। श्री रामानुज उनके शिष्य बनना चाहते थे। मंत्र की शिक्षा ऐसे ही नहीं मिलती, पहले अपनी क्षमता सिद्ध करो। 17 बार गुरु ने मना किया, पर रामानुज निराश या क्रोधित नहीं हुए। हर उसी निष्ठा से तपस्या के साथ 100 कोश चलकर श्रीरंगम से गोष्ठीपुरम तक गुरु के पास आए। आखिर 18वीं बार गुरु मान गए। ज्ञान की इतनी अद्भुत प्यास, इतनी नम्रता और सहनशीलता, आज से तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हें गुप्त अष्टाक्षरी मंत्र सिखाने का समय आ गया है। इसे ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम शिष्यों में होती है। कैसा मंत्र यह है गुरुवर, मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। रामानुज छड़ गए मंदिर के शिखर पर। हर जिज्ञासु के लिए मंत्र की घोषणा की। अब मंत्र हो गया सार्वजनिक। हर शोषित पीड़ित वैष्णव जन के कानून तक पहुंच गया। ये क्या कर दिया तुमने? मेरी आज्ञा को तोड़ा, इतना बड़ा पाप किया। तुमने अपने साथ मुझे भी नर्क की आग में खींच गया। फिर रामानुज बोले, मंत्र को गुप्त न रखने का निर्णय सिर्फ मेरा था, इसका पूरा दायित्व सिर्फ मेरा है। अगर मैंने पाप किया है तो नरक की आग मुझे स्वीकार करे। मेरे बलिदान से सबके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, तो यही मेरा सही मार्ग है। अगर मेरे इस काम से पुण्य का लाभ है तो वे सिर्फ आचार्य आपको है। आपकी ही पादुकाओं को सामने रखकर मैंने इस मंत्र की घोषणा की थी। पाप का दायित्व खुद ले लिया और पुण्य का लाभ मुझे प्रदान किया। तुम्हारे जैसे शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया रामानुजा। गुरु ने निश्चय कर लिया कि उनकी आगे की सभी पीढ़ियां रामानुज की शिष्य बनेंगी। सारा विश्व है तन उनका, यही प्रेम का संदेश दिया। नारायण के दर्शन को द्वार हृदय का खोल दिया। शोषित और दलित को भी प्रभु सेवा का मान दिया। मंदिरों के द्वार खोले,
समता का संदेश दिया। वासनात् वासुदेवस्य वासितं ते जगत्त्रयम् महिलाओं को मान दिया पुरुष समान स्वामी ने। मध्यकाल की दुर्नियति से अबलाओं को मुक्त किया। सात पहाड़ी छेड़कर पहुंचे मिलने को नारायण से। रामानुज ने शीश झुकाया धन्य हो गए दर्शन से। रामानुज के सिद्धांतों पर धर्म प्रबंधन होता है। इनकी पूजा विधि नियमन का अब भी पालन होता है। रामानुजाचार्य ने शास्त्रों के आधार पर तय किया कि भगवान की दाई हाथ में चक्र होगा और बाई ओर शंख, भुजों पर नागाभरण, छाती पर व्यूहलक्ष्मी आभूषण होगा। हर शुक्रवार अभिषेक होगा। हफ्ते के तीन दिन मोहिनी अलंकार किया जाएगा। आनंद विमान पे सोने का कवच चढ़ाया जाएगा। त्रिचानूर में होने वाला ब्रह्मोत्सव तिरुमला पहाड़ में होगा। भक्त जन गोविंदा गोविंदा कहकर भगवान को आवाज देंगे। बोल गोविंदा गोविंदा। रामानुज ने तिरुमला को कलयुग का वैकुंठ बना दिया। आये नहीं हो तुम, भगवान ने तुम्हें बुलाया है। यह मंत्र अभी तुम दोहराओ, पावन अवसर आया है। ओम नमो नारायणाय। मंत्र ब्रह्म जपोगे तुम तो विघ्न सभी हट जाएंगे। नारायण की कृपा से अब काम सभी बन जाएंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो देश है सारे जगत के विद्यमान यह चारों ओर। स्फूर्ति बने ये रामानुज की भई समता की भो। मांग है यही अब समता की हम रामानुज से पाएंगे। भर के मन के हर कोने में इसकी ज्योत जगाएंगे, इसका नाम सुनाएंगे। नारायण।
शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। Now all of you are requested to rise for the national anthem. జై శ్రీమన్నారాయణ।